सिद्ध कीजिए अंडर रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे सिद्ध करने के लिए कि अंडर रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे मान लेते हैं कि अंडर रूट तो हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना, पहले सोल्यूशन लिख देते हैं, ये हो जाएगा सोल्यूशन। माना अंडर रूट तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अंडर रूट दो इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और क्यू हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। जहाँ पी और क्यू के बीच का रिलेशन के बारे में बता देते हैं, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पी और क्यू, पी और क्यू सह अभाज्य, पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, ठीक है। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा पी स्क्वायर अपान टू, ठीक है। अब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 हमारा पी को भी विभाजित करता है, तो इस बात को हम लिख देते हैं, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पी बराबर, माना पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 आर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से यानी p के स्थान पर लिख देते हैं 2r, तो ये हो जाएगा 2q² = 2r² ये हो जाएगा 2q² = 4r² क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और r का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया, तो ये आएगा q² = 2r², तो r² = q² अपान 2। अब देखो 2 हमारा क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 हमारा क्यू को भी विभाजित करेगा, तो उस बात को भी लिख देते हैं, हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हमारा पी और क्यू के बीच एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, ठीक है, कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट दो हमारा जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, अतः पी और यहाँ पर लिख देते हैं पी और क्यू में कम से कम, पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, गुणनखंड 2 है, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा
है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और यह इसलिए हो रहा है, और यह इस लिए और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटि पूर्ण कल्पना क्योंकि हमने त्रुटि पूर्ण कल्पना कर यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा त्रुटि पूर्ण कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 2 1 परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 1 अपरिमेय संख्या है।